बोलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग बढ़िया हैं चलो ये है चाची हमारी पड़ोसी हैं चाची थोड़ा ऐसे बोलो हेलो गाइस हमें क्या हो नहीं यार नहीं तो एक बार कहो को तो थोड़ा हेलो गाइस हेलो गाइस सही कही तुमने सही कही चाची हेलो गाइस गुड मॉर्निंग तो अब हम जा रहे हैं फ्रेश सब्जियां ले तोड़ने खेतों से आपको दिखाएंगे फ्रेश सब्जियां ऑर्गेनिक जो घर में हम आप खुद के लिए उगाते हैं और खुद ही उनको कंज्यूम करते हैं और ये मेरी माँ खड़ी है वो कहाँ गया बहू खड़ी है बहू तो मैं नहीं जानता हूँ है। अच्छा अच्छा ये दोनों सिस्टर हैं मेरी जो आदि को लेकर आई थी लेकिन आदि जो है ले ओ देख ही नहीं रहे हो कोई बात नहीं स्टैंड अप हो जाओ कोई बात नहीं स्टैंड अप हो जाओ इनके घर चलते हैं थोड़ा सा पैर छू के आते हैं इनका ये हमारा पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है जब भी हम घर आते हैं स्टैंड अप हो जाओ ओ चलो चलो उधर को चलो आ जाओ आदि आ जाओ दादी राम राम ये है तो काटेगा नहीं ओ भैया ठीक हो सब्जियों की जो खेती होती है उसको बोलते हैं कछबारी तो ये है छोटी सी कछबारी इधर से एंटर करेंगे अभी घर पूरा अच्छे से बना नहीं है ओ दैया आदि तुम तो 15 केजी के हो गए ये है कचबारी मतलब है छोटी लेकिन इसमें घर में खाने आने वाली सारी सब्जियां मिलेंगी ये है कॉलीफ्लावर मतलब बंदा गोभी फूल गोभी ये मूलियाँ हैं आगे कुछ भी है उधर भी कुछ टोमेटो वगैरह लगे हुए हैं फिर उसके बाद आगे है लहसुन इस बारे में भैया इसमें क्या लगाएं ओ इस वाले में मेथी चूँकि यहाँ मोर ज़्यादा हैं इसलिए वो सब खा जाती हैं और मम्मी तोड़ रही हैं धनिया उसके बाद लगी है पालक ग्रीन कितना सारा देखो इसमें क्या है बैगन और मिर्ची ये है बैगन और मिर्ची ये देखिए अभी हुई नहीं है अंडर ग्रोइंग है कुछ ही दिन में ग्रोथ होके बड़ी हो जाएगी और ये है सरसों मूली चना है सरसों चना वो धनिया कैसी हो गई वो आ जाओ और सबसे अच्छी चीज़ इस कचवारी में जो मुझे लगी है वो है पालक पूरा फ्रेश चुकंदर है और बीटरूट्स भी हैं चुकंदर बगन हाँ ये देखो कितना प्यारा है इसमें भैया कोई किसी तरह का कोई खाद आद नहीं लगा ना कुछ भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बेटा खुश रहो अंकू हाँ अंकू तो ना पाँच छूले पाए छूना मतलब पार्ट ऑफ ट्रेडिशन चुब्बा लो जाओ ले चुकंदर से लाल हो गए चुकंदर ये देखो ये भी ऑर्गेनिक चुकंदर है बीटरूट सब कुछ ऑर्गेनिक मतलब यहाँ तो सब कुछ देशी आइटम है ये लगे हैं देखो ये देखो अलग झाड़दार हो गए पत्ता ये देखिए कचमारी सबसे अच्छी चीज मुझे तो सबसे बेस्ट जो लगी वो ये है अब चुकंदर में चुकंदर भी ऑर्गेनिक है अरे जागो काट दे नहीं चुकंदर को पूरे हाथ एकदम लाल ब्लड जैसे हो गए अब जामे चना भाई ये देखो
अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये है तोरई, तोरई और गिलकी, दो ही नाम मैं जानता हूँ इसका इंग्लिश नाम। ये मम्मी के मेरे पिकनिक की भी जगह है। अच्छे ठुकन करो, ठुकन कर दो, ठुकन ठुकन कर दो, ठुकन ठुकन कर दो, बिल्कुल ठुकन कर दो, सबको ठोक दो, ठुकन कर दो। चलो अब चलते हैं फिर वापस घर। अच्छा देखो ये भैया का घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे कुटुंब का घर है ये, कुटुंब कुटुंब अपन लोग कुटुंब बोलते हैं, कुटुंब ये देखो एक रूम ऊपर से नीचे तक, ये सेकंड रूम ऊपर से। पार्टी करेंगे क्या भैया एक दिन? हैं और ये क्या है, बाथरूम? अच्छा टेम्पल है। और ये है किचन, ये है किचन, और ये है, ये क्या है भैया? इसमें नीचे कुछ बनाया तो है नहीं। चलो अबे लाग है सब बेटा, मेरा हाथ रह जा रहा है। ये क्या है बाहर? अच्छा बढ़िया घर बनाया, बढ़िया गेट लगा दिए थे ये ले आए तो बाकी ये लग गए देखो। ये बढ़िया हो जाए, वो अपना सूख गया लगता है, नहीं, नहीं। है मेरा खेत है। इसमें क्या है भैया, पोला तो इतना ज्यादा है, देखो पोला ही तो है, पोला ही पोला हो गया, ये पोला का बड़ा खोटना पड़ेगा पोला को, पोला में तो। मानू कहाँ जा रहा हो सुबह सुबह? काम कहाँ जल्दी गाड़ी अकेली चली जाएगी, घर तक ले जाने फटी है बोरी, देख ले। चलो अब लॉक लगा दो, हम भी चलें। ठीक है भाई, तो हमने उसी टाइम जाएंगे और रात को नहीं तो जैसे ही सुबह 4-5 बजेंगे, सुबह 4-5 बजे निकल आएंगे, रात को निकल आएंगे। ये है कन्याशाला, अभी पढ़ाई लिखाई सब बंद है, अभी कुछ काम चल रहा है इसलिए लेबर को इसमें ठहराया हुआ है, ये सभी लोग बाहर से आते हैं काम करने। ये किराया है, यहाँ से जाते हैं गांव के लिए। ये चाचा राम राम, ठीक हो कल्लू? ठीक है कल्लू, कहाँ है कल्लू? ससुराल चले गए, बिहार। यहाँ से रास्ता जाता है गांव के लिए और यहाँ से जाता है खेतों के लिए। ये है हमारा प्यारा घर, यहाँ से गेट खोलते हुए अब जाएंगे अंदर सीधे। ये देख, हाँ बाबा को अभी बाहर निकालना, ये देखिए ये साइड में पार्किंग की जगह है और ये मेरा घर है प्यारा प्यारा। गांव में जिस तरह के घर होते हैं उसी तरह का हमारा भी है, कोई अलग नहीं। और ये है पूरा एरिया जहाँ पर हम लोग सब्जी को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। अभी अपने हमने आपको दिखाया वहाँ पर, ये छोटा सा गार्डन हमारा भी है उसमें हमने वेजिटेबल ग्रो किए हुए हैं। यहाँ पर कुछ टोमेटोस हैं, वो आगे कुछ गोभी है, लहसुन है, धनिया है, पालक है, मूली है, उसके बाद मेथी। और ये जो सामने पेड़ दिख रहा है आपको, ये रात रानी का पेड़ है, बहुत अच्छी खुशबू देता है, सारे दिन रात खुशबू देता रहता है। साइड में कुछ गार्डनिंग के तौर पर हमने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं, ये देखिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ मिट्टी का थोड़ा इशू है इसीलिए बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जब भी हम आते हैं तो कुछ पेड़ पौधे लेके आते हैं और प्लांट करके जाते हैं। अब चूँकि थोड़ा टेक केयर ज़्यादा चाहिए पड़ता है, उतना मुझे लगता मिल नहीं पाता, इसकी वजह से ये सारा इशू है। और अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ अपने घर के तरफ, यहाँ से एक व्यू मैं आपको पीछे से देता हूँ। पीछे को देखेंगे तो ये ऐसा कुछ नज़ारा व्यू दिखाई देता है।
ये है हमारे पड़ोसियों का घर और ये है पूरा बैकग्राउंड, घर के सामने का व्यू, और ये है पड़ोसियों के घर, और ये हमारी पार्किंग, और ये साइड में अब हम चलते हैं घर की तरफ। अब हम बढ़ेंगे घर की तरफ, अब चलते हैं अंदर। ये देखिए, अब चलते हैं अंदर। ये साइड में एक रूम है और ये आ गए हम घर के अंदर। उसके बाद ये हम जो पालक अभी फ्रेश फ्रेश तोड़ के लाए हैं, ये पालक है। और ये हैं घर में चिड़ियाँ। चिड़ियाँ ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती हैं। अगर पोल्यूशन जैसी कोई चीज़ होती है तो ये यहाँ से चली जाती हैं या फिर मर जाती हैं। तो चिड़ियों का होना मतलब पोल्यूशन का ना होना। और ये है देसी किचन, ये है बर्तन साफ करने का, और यहीं सब देसी धमाका है। और यहाँ पर ऐसे करते हैं और यहाँ चलते हैं आगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटी सी किचन है, किचन ओपन किचन, और ये नीचे बैठने का इस तरह से। और ये आ गई लाइट। ओह माय गॉड, चिड़ियों के साथ खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? चिड़ियों पकड़ो, चू 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 चू, पकड़ो चिड़ियों को, पकड़ो पकड़ो, को 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 पकड़ लो। बाबा वैसे प्यारे हैं, हैं? चलो हम कोच में ही कटवा देंगे। बस नहीं। बाबा ऐसे क्या है बेटा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम आ जाओ, रोते नहीं है बेटा। ये मेरी एक घंटे की मेहनत, देखो रंग लाएगी कि नहीं अभी पता नहीं। मैंने एक प्लांट कर, गोबर के उपले बनते हैं, इन्हीं पे खाना बनता है, जला के इनको। ये देखो, ये देखिए लजीज भोजन। कितना भी पैसा खर्च करिए लेकिन इसके जैसा भोजन मिलना ही मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लजीज भोजन, गिलकी की सब्जी, दाल, होमग्रोन मूली, बीटरूट चटनी, घर की बनाई हुई रोटी, घर का बनाया हुआ घी।